आज हम बात करेंगे इंडक्टर इन ए ऑल्टरनेटिंग करंट। लास्ट लेक्चर में हम बात की थी कि कैपेसिटर एक ऑल्टरनेटिंग करंट में जब हम एक कैपेसिटर इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो किस तरह बिहेव करता है। आज हम बात करेंगे एक इंडक्टर को अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट के अक्रॉस लगाएंगे तो वो किस तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स उसमें करंट और वोल्टेज में क्या फेज लगाएगा और उसके हम रिएक्टेंस की बात करेंगे, राइट। तो हम देखते हैं कि लेट्स से वी हैव अ इंडक्टर, सो वी से कंसीडर एन इंडक्टर ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कितनी है सेल्फ इंडक्टेंस हम मान लेते हैं, कितनी होगी L, राइट, इज कनेक्टेड अक्रॉस ए ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ठीक है, उसकी जो वोल्टेज सिग्नल है किस तरह है, हैविंग वोल्टेज सिग्नल वी इज इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी, राइट। तो ये हमारे पास आ गया, तो हमारे पास क्या है, देखिए एक हमारे पास ये आ जाएगा इंडक्टर, राइट, इसके अक्रॉस हमने एक ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल लगाया, ये लगा दिया। अब देखिए जब ये पॉजिटिव साइकिल आएगा, पॉजिटिव साइकिल आने का मतलब क्या आ गया, इस सर्किट में करंट इंक्रीज करेगा। सो अगर करंट वोल्टेज सिग्नल है ना, सो हमारे पास वोल्टेज सिग्नल किस तरह होगा, दिस इज अवर टाइम एंड दिस इज वोल्टेज, तो ऑल्टरनेटिंग करंट सिग्नल आ गया। जैसे जैसे करंट इंक्रीज हो रहा है, वोल्टेज इंक्रीज हो रही है, दैट मीन्स यहां पर हमारे पास करंट इंक्रीज होगा, दैट मीन्स करंट इंक्रीज हो गया, डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहां करंट इंक्रीज हो रहा है ना, करंट इंक्रीज हो रहा है तो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से यहां पर ईएमएफ किस तरह इंड्यूस होगी, करंट डिक्रीज करने, जो इंक्रीज हो रहा है उसको डिक्रीज करने की कोशिश करेगा, उसको इंक्रीज नहीं होने देना, दैट मीन्स यहां हमारे पास उसको अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, यहां से नीचे को, है ना। तो अगर इंड्यूस करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो यहां हमारे पास ये पॉइंट पॉजिटिव आएगा, ये एंड हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, राइट। ये तो चीज होगी हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव देखने के लिए, जब किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे तो हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव से जब नेगेटिव जा जाते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना, इसलिए साइन बड़ा इंपॉर्टेंट है यहां पर। अब देखिए हम यूज कर रहे हैं किरचॉफ्स लॉ, सो किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज लॉ, है ना, सो ये क्या होता है केवीएल, है ना। तो यहां पर हम देख रहे हैं यहां से पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो हमारे पास क्या आएगा, एल डी आई बाय डी टी, यहां एंड अगर करंट इंक्रीज हो रहा है तो ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है तो हमारे पास आ जाएगा जो वोल्टेज सिग्नल लगाया है वो आ जाएगा। सो वापस यहां से हम स्टार्ट किए थे, वापस हम लूप पर वहीं पहुंच गए, इक्वल टू जीरो। अब V की वैल्यू क्या है वो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, एल डी आई बाई डी टी माइनस वी साइन ओमेगा टी इक्वल टू जीरो, और हमारे पास क्या आएगा, डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू वी बाई एल साइन ओमेगा टी। अब देखिए डी आई बाई डी टी क्या होगा, अगर हमारे पास आई टी ग्राफ होता, मान लीजिए है ना, अगर हमारे पास आई टी ग्राफ होता तो डी आई बाई डी टी क्या है, दैट इज द स्लोप ऑफ द ग्राफ, तो करंट किस तरह चेंज कर रहा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू साइन वेव। जैसे जैसे वोल्टेज सिग्नल चेंज होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट क्या होगा, वो सेम आएगा, सेम फेज पे आएगा, लेकिन हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट नहीं देखना, हमें बात करनी है कि करंट क्या है, करंट की वैल्यू क्या है, दैट मीन्स हमें इस चीज को इंटीग्रेट करना पड़ेगा ओवर द टाइम। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे ओवर द टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो डी आई, ठीक है, तो हमारे पास इसको इस तरह लिखेंगे डी आई बाई डी टी है इंटू डी टी,
is equal to V by L, right? Integrating sin omega t dt. यह हम सिंपली लिख सकते हैं di integrating V by L, कांस्टेंट है जीरो, अब sin omega t dt आ गया. इंटीग्रेट कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा i, तो V by L आ जाएगा. साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, देखिए साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस, ठीक है, माइनस कॉस ओमेगा टी. अब यहां पर टी का कॉफिशियंट क्या है, ओमेगा, तो हमारे पास वो कॉफिशियंट के नीचे आ जाएगा, तो ये हमारे पास कॉफिशियंट आ गया, राइट. सो आई इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा एल माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये हमारे पास करंट की इक्वेशन आ गई. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट, यहां पर हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी आया, ये हमारे पास क्या आएगा, देखिए माइनस कॉस ओमेगा टी, तो हमारे पास माइनस साइन का फेस के साथ लिंक करेंगे हम इसको, है ना. अब हमारे पास क्या है, ये वैल्यू वी बाय ओमेगा एल, तो वी इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज या पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. This is a self-inductance. Omega is the angle of frequency. तो हमारे पास I is equal to certain maximum value minus cos omega t. इस तरह भी लिख सकते हैं ना, या minus sign को इधर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है. अगर हम minus sign को इस तरह लिखते हैं तो minus cos omega t आ जाएगा. तो हमारे पास maximum value और peak value of current कितना आ जाएगा, V by ओमेगा एल, ये हमारे पास पीक वैल्यू ऑफ करंट आ जाएगी, राइट. अब देखिए इसको एक बार ध्यान से देखिए, फिर आगे करते हैं. अब हम देखिए हम क्या करेंगे, पहली बात हम फेस डिफरेंस देखेंगे करंट एंड वोल्टेज में कितनी है, देन ये जो हमारे पास टर्म आई है ओमेगा एल, इसको हम क्या कहेंगे, एक तो वो चीज देखनी है, राइट. एक बार ध्यान से देख लीजिए फिर दिक्कत. तो हमारे पास क्या आ गया, देखो हमारे पास आ गया V, हमारे पास क्या था, वोल्टेज सिग्नल था V साइन ओमेगा T, एंड I इज इक्वल टू माइनस I कॉस ओमेगा T. अब देखिए माइनस कॉस ओमेगा T को हम किस तरह लिख सकते हैं, दिस इज साइन ओमेगा T माइनस पाई बाय टू, राइट. साइन, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी को हम किस तरह लिख सकते हैं, कॉस ओमेगा टी विद माइनस साइन को किस तरह लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू, ठीक है ना, राइट. तो हमारे पास देखिए हम ये कहेंगे इन दोनों को कंपेयर करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास ओमेगा टी है, यहाँ पर हमारे पास ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू है, दैट मीन्स हम बात करेंगे यहाँ पर माइनस साइन है, दैट मीन्स करंट पीछे जा रहा है, करंट जो है लैग कर रहा है इन कंपैरिजन टू वोल्टेज. तो यहाँ पर हमारे पास माइनस पाई बाई ओमेगा टी है, इसका मतलब इट मीन्स करंट इज lagging behind the voltage signal, the voltage by pi by 2, ठीक है ना. अब इसका हम फिर वेव फॉर्म बना लेते हैं, देन उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारे पास एक फेजर डायग्राम आ जाएगा, ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास, देखिए. तो हम बात करते हैं वोल्टेज सिग्नल की, है ना. तो ये हमारे पास आ गया, इधर टाइम आ गया, तो यहां हमारे पास वोल्टेज और करंट आ जाएगा. तो हमारे पास क्या, देखिए वोल्टेज सिग्नल क्या आएगा, साइन ओमेगा टी है, ये आ जाएगा, ठीक
ये हमारे पास वोल्टेज सिग्नल आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर कॉस पॉजिटिव था तो कॉस पॉजिटिव कहां से शुरू होता था हमारे पास, देखिए यहां से लेट से ये 90, ये 0, 18 ये आ गया, कॉस के लिए हमारे पास कहां से ग्राफ शुरू होता है, यहां से है ना, ये आ जाएगा है ना, ये आ जाएगा। कॉस के लिए हमारे पास ग्राफ इस तरह होता है। ठीक है, अब इसका हमारे पास क्या था, माइनस कॉस है ना, तो माइनस कॉस का मतलब क्या आएगा, माइनस कॉस का मतलब क्या आएगा, ग्राफ कहां से शुरू होगा, यहां से, माइनस कॉस। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस कॉस आ गया, तो ये ब्लू वाला क्या आएगा, दिस इज माइनस कॉस, ये आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास माइनस कॉस आ जाएगा, तो यहां पर हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास माइनस कॉस, ये आ गया। ठीक है, कॉस का जस्ट एक बार फिर देख लीजिए, कॉस ग्राफ किस तरह वेरी करेगा, इस तरह वेरी करेगा, कॉस ग्राफ इस तरह बनता हमारे पास, राइट। तो नेगेटिव माइनस कॉस क्या होगा, तो हमारे पास माइनस कॉस ओमेगा टी की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज द कोसाइन कर्व, दिस इज कॉस, लेट्स से ओमेगा टी, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी, तो ये हमारे पास वेव फॉर्म बन गई। ठीक है ना, अब देखिए इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम किस तरह फेजर डायग्राम किस तरह बनाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग फेजर डायग्राम इसके इधर आ जाते हैं, सो दिस इज हमने क्या क्या कहा था फेजर डायग्राम के लिए, फेजर क्या है हमारे पास, एक तरह का रोटेटिंग वेक्टर है जो इस तरह ओरिजिन के अराउंड रोटेट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर हम देख रहे हैं कि कोई भी वैल्यू ले लीजिए, दिस इज वैल्यू, दिस इज हमारे पास एंगल ओमेगा, पॉइंट आ गया ओमेगा टी, एंगुलर एंगल या फेस कितना आ गया ओमेगा टी। यहां पर देखिए अगर हम करंट की देखेंगे तो नेगेटिव आ रहा है, तो वोल्टेज देखेंगे तो ये आ जाएगा है ना, तो वोल्टेज देखने के लिए क्या होगा हमारे पास, यहां पर हमने क्या किया, ये आ गया ना, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज आ जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आ जाएगी, ये हमारे पास पीक वैल्यू है। तो हमने क्या किया, यहां पर एक एंगल बनाया, ठीक है, ये हमारे पास एक रेडियल लाइन बना ली, दैट इज अ फेजर आ गया, ये हमारे पास कितना एंगल आ गया ओमेगा टी। तो हमने क्या कहा था, यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करो, तो पैरेलल लाइन कहां कट करेगी, यहां कट कर रही है, तो ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक जो ये हमारे पास आ गया, ठीक है, ये एरो हेड आ गया, इस एरो हेड को हम क्या कहेंगे, इस एरो हेड को क्या कहेंगे, दिस एरो हेड को, इस एरो हेड को हम बोलेंगे दिस इज द फेजर कॉरस्पॉन्डिंग टू द वोल्टेज। ठीक है, हो सकता है लाइन थोड़ी बहुत फर्क आ गया हो, ठीक है, सो दिस लाइन कॉरस्पॉन्ड्स टू, दिस फेजर कॉरस्पॉन्ड्स टू द वोल्टेज सिग्नल, सो दिस इज द वोल्टेज। अब देखिए ये हमने क्या था, जिस लेंथ जब आएगी, ये लेंथ क्या इंडिकेट कर रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ द वोल्टेज और पीक वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, और ये हमारे पास, ये हमारे पास यहां जो प्रोजेक्शन आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज ये आ जाएगी। ठीक है ना, अब देखिए तो ये हमारे पास जो लेंथ आ गई वो हमारे पास पीक वैल्यू आ गई। अब हमने हमने देखना करंट के कॉरस्पॉन्डिंग, यहां देखिए करंट के कॉरस्पॉन्डिंग ये वैल्यू
वैल्यू है ना, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। लेकिन यहां हमारे पास क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय टू। अब कॉस के लिए हमने क्या कहा था, कॉस के लिए उसके लिए सॉरी कैपेसिटर, जब हमने कैपेसिटर का फेजर डायग्राम बनाया था तो हमने क्या कहा था, वहां पर हमारे पास कैपेसिटर के लिए इक्वेशन आई थी साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू, ये हमारे पास आया था। यहां पर हमने क्या कहा था, कैपेसिटर के लिए 90 डिग्री आगे को चले जाएंगे, यही कहा था। तो 90 डिग्री आगे को गए थे फॉर द कैपेसिटर, ठीक है ना। अब यहां पर 90 डिग्री पीछे को जाएंगे, माइनस साइन है तो माइनस साइन का मतलब 90 डिग्री यहां से पीछे को जाएंगे, यहां से यहां तक जाएंगे, है ना। तभी हम पीछे चल रहे हैं तो दैट मीन्स पीछे को जाएंगे, आगे। लीडिंग का मतलब आगे को जाना, पीछे का लैगिंग का मतलब पीछे को जाना। तो कितना डिग्री पीछे जा रहे हैं, 90 डिग्री। तो यहां हमारे पास, यहां से देखिए, यहां से एक 90 डिग्री आ गया, तो यहां पर हमने एक रेडियल लाइन आ गई। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग करंट सिग्नल क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, है ना, ये हमारे पास यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, दिस इज द राइट, तो एंगल, हाँ, तो ये हमारे पास ये आ गया 90 डिग्री। तो ये हमारे पास जो ब्लू फेज क्या इंडिकेट कर रहा है, फ्यू फेजर इंडिकेट कर रहा है, दिस इज द करंट, दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू करंट सिग्नल, और वी सिंपली से दिस इज द करंट फेजर, राइट। यहां जो वैल्यू आ जाएगी, ये वैल्यू जो आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास इसकी प्रोजेक्शन आ गई, वाई एक्सिस पर जो प्रोजेक्शन आ गई, ये प्रोजेक्शन क्या इंडिकेट करेगी, ये पॉइंट क्या इंडिकेट करेगा, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द वोल्ट करंट सिग्नल, राइट। ये आ गया, तो देखिए हमारे पास क्या था, अगर कैपेसिटर था, कैपेसिटर में हमारे पास करंट सिग्नल लीड कर रहा था वोल्ट, और इंडक्टर के केस में हमारे पास क्या आ गया, करंट सिग्नल लैग करेगा, ठीक है, पीछे को जाएगा। सो दिस इज द फेजर डायग्राम फॉर द करंट एंड वोल्टेज सिग्नल व्हेन ऑल द इंडक्टर इज अप्लाइड, एसी इज अप्लाइड अक्रॉस द इंडक्टर, राइट। एक बार ध्यान से देख लीजिए फेजर डायग्राम को, तो अब हम बात कर रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। अब देखिए हमने V इज इक्वल टू आई आर था, तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंगली V इज इक्वल टू आई आर था, यहां पर हमारे पास यहां आ गया V अपॉन R, राइट। यहां पर हमारे पास क्या टर्म आई है, देखिए यहां पर हमारे पास आई है I इज इक्वल टू V बाय ओमेगा L, दैट मीन्स यहां जो ये टर्म है दिस कॉरस्पॉन्ड्स टू द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज या ऑपोजिशन टू करंट इन केस ऑफ इंडक्टर। सो दिस टर्म, दिस इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मैंने क्या, हमने बात की थी पहले भी रिएक्टेंस की, हमने बात की थी कि दिस इज द ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट या ऑपोजिशन टू द करंट विच इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। तो रिएक्टेंस क्या होता है, दिस इज फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट ऑपोजिशन टू द करंट, ऑपोजिशन टू द करंट आ गया, ठीक है। तो हम इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और कैपेसिटर के लिए हमारे पास क्या आया था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस आई थी, दैट वाज 1 बाय ओमेगा सी, है ना। तो यहां हम बात करेंगे इंडक्टिव रिएक्टेंस की, इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या हो गया, एक्सएल इज ओमेगा एल, यूनिट्स वही रहेंगे जो रेजिस्टेंस के थे, दैट इज ओम्स, तो यूनिट्स वही रहेंगे हमारे पास। ऐसा यूनिट्स ऑफ द रिएक्टेंस क्या हो गया, ऐसा यूनिट्स ऑफ रिएक्टेंस इज
दिस इज ओम्स, ठीक है ना, तो ओम्स ही देंगे। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ओमेगा क्या है, एक्सएल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है हमारे पास 2 पाई एफ है, दैट मींस एक्सएल इज 2 पाई एफ इनटू एल। सो व्हेन एफ इज जीरो, व्हेन एफ इज जीरो एक्सएल इज जीरो। सो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम इंडक्टर के अक्रॉस एक डायरेक्ट करंट लगाएं, देन इट विल ऑफर जीरो रिएक्टेंस, दैट मींस उसको ऑपोजिशन इन मिलेगी, डीसी जो डायरेक्ट करंट है वो आराम से इंडक्टर में से पास हो जाएगा। सो दैट मींस इट ऑफर्स, इट ऑफर्स जीरो रिएक्टेंस, इट ऑफर्स जीरो रिएक्टेंस टू द डायरेक्ट करंट टू डीसी, और वी से इट पासेस द, और वी से इट पासेस द डायरेक्ट करंट, राइट। अब जैसे जैसे ओमेगा की वैल्यू या एफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे एफ की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, एज एफ इंक्रीजेस ओमेगा और एक्सएल इंक्रीज कर रही है, दैट मींस जिस तरह हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते जाएंगे सिग्नल की, रिएक्टेंस या ऑपोजिशन बढ़ती जाएगी। सो और व्हेन एफ अप्रोचेस टू इंफिनिटी एक्सएल अप्रोचेस टू इंफिनिटी, राइट। जैसे जैसे एक्स फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाएंगे तो रिएक्टेंस बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंस बढ़ती जाएगी मतलब ऑपोजिशन करंट को अपोज करना शुरू हो जाएगा, करंट को अपोज करना शुरू हो जाएगा मतलब इट विल स्टार्ट ब्लॉकिंग द एसी करंट, है ना। सो हम बात करेंगे, इट पासिस द डायरेक्ट करंट बट इट ब्लॉक्स द एसी करंट, राइट। सो वी विल से इंडक्टर ब्लॉक्स द, या इट ब्लॉक्स द एसी, एसी को ये और ब्लॉक करने की कोशिश करेगा पर डायरेक्ट करंट को बड़े आराम से जाने देगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कैपेसिटर के ऑपोजिट आ गया ना। कैपेसिटर में हमने क्या था, कैपेसिटर में हमने कहा था कि कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी। सो कैपेसिटर में हमने पढ़ा था, इन केस ऑफ कैपेसिटर इट ब्लॉक्स द, ब्लॉक्स द डीसी बट इट पासिस द एसी, राइट। तो ये कैपेसिटर के ऑपोजिट फंक्शन कर रहा है, जिस तरह कैपेसिटर फंक्शन कर रहा था बिल्कुल उसके ऑपोजिट फंक्शन करेगा, ये डीसी को पास करेगा, कैपेसिटर डीसी को ब्लॉक करता था, कैपेसिटर एसी को पास करेगा, ये एसी को ब्लॉक करेगा, ठीक है। अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, तो सेकंड इसका हमारे पास क्या आएगा, अब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक्सएल और फ्रीक्वेंसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहीं ड्रॉ कर ले, तो यहां ड्रॉ कर लेते हैं ना, हमारे पास क्या है, तो यहां हमारे पास फ्रीक्वेंसी आएगी, यहां हमारे पास एक्सएल। तो देखिए हमारे पास क्या है कि एक्सएल, जो एक्सएल है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी एक्सएल की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो हमारे पास क्या आएगा, इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो हमारे पास क्या आएगा ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ये आ जाएगा। कैपेसिटर में हमारे पास क्या था, कैपेसिटर में हमारे पास आया था क्या, x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f, तो हमारे पास कैपेसिटर के लिए क्या आया था, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f आया था, तो उसका हमारे पास ग्राफ इस तरह आया था, राइट, ये आया था, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आया था,
और एक्सएल के कॉरस्पॉन्डिंग दिस इज फॉर एक्सी नाउ राइट एंड दिस इज फॉर एक्सएल. सो दिस इज हाउ द रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर और रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर बिहेव्स विद द फ्रीक्वेंसी. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी. तो इन नट्स देखिए एक बार ध्यान से देख लिए फिर आगे कर. ठीक है अब देखिए अगर हम दोनों चीजों को दोनों पॉइंट्स कैपेसिटर और इंडक्टर के दोनों पॉइंट्स को अगर हम कंपैरिजन करें तो क्या होगा. देखिए ये तो दो पॉइंट्स हमने कंपेयर कर लिए राइट. तो कैपेसिटर ब्लॉक्स द डीसी बट इंडक्टर पासेस द डीसी. कैपेसिटर पासेस द एसी इंडक्टर ब्लॉक्स द एसी. और इन केस ऑफ कैपेसिटर तो उसमें हमने कहा था कि करंट जो है दैट लीड्स द वोल्टेज सिग्नल. सो इन केस ऑफ करंट कैपेसिटर इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट लीड्स द वोल्टेज. ये हमने पढ़ा था. ठीक है अब इसमें क्या हो गया इन केस ऑफ इंडक्टर करंट लैग्स द वोल्टेज है ना. कितने डिग्री से बाय पाई बाय टू. अब इन केस ऑफ इंडक्टर तो हमारे पास क्या आ गया करंट लैग्स द वोल्टेज बाय पाई बाय टू. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट. सो दिस इज हाउ द इंडक्टर बिहेव्स इन द एसी राइट. अब देखिए अगर हम बात करते हैं व्हाट इज द पावर कंज्यूम्ड बाय इंडक्टर एंड द कैपेसिटर व्हेन एसी सिग्नल इज अप्लाइड. एवरेज पावर कंज्यूम्ड by the inductor right. अब देखिए इंडक्टर में क्या है हमारे पास क्या था. देखिए इंडक्टर में हमारे पास इंस्टेंटेनियस वोल्टेज क्या है. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इज v sin omega t और इंस्टेंटेनियस करंट की वैल्यू क्या है माइनस i cos omega t right. So there is a phase difference है ना. तो हमारे पास यहां पर हमारे पास ये आ गया टाइम आ गया तो वोल्टेज सिग्नल इस तरह बिहेव कर रहा है और करंट सिग्नल दिस इज द वोल्टेज सिग्नल और करंट सिग्नल किस तरह बिहेव कर रहा है. करंट सिग्नल बिहेव कर रहा है इस तरह पीछे आ रहा है ना. तो ये आ गया करंट सिग्नल. लेकिन जब हमने बात की थी एवरेज पावर क्या थी. दिस इज द पीडीटी अपॉन डीटी ओवर द होल साइकिल है ना. अब देखिए हमारे पास यहां पर दैट इज द इंस्टेंटेनियस पावर क्या आएगा. इंस्टेंटेनियस पावर इज वी इंटू आई राइट. तो हमारे पास क्या आएगा दिस इज माइनस वी आई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी. ये आ गया ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर आ गया. अब देखिए अगर ये वैल्यू अब पूरा ओवर द होल साइकिल देख रहे हैं ना. यहां पर जीरो से टी यहां पर जीरो से टी दैट मींस ये आ जाएगा. ये वैल्यू हमने कहा था कि दिस इज टी है ना. टोटल टाइम पीरियड इज इंटीग्रेशन करेंगे स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल्स को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा. अब देखिए तो एवरेज पावर क्या आ गई. दिस इज द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द इंडक्टर. दिस इज 1/T इंटीग्रेटिंग फ्रॉम 0 to t. लेट से माइनस साइन इज बाहर ही ले लेंगे. ठीक है तो वी आई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी dt और हमारे पास एवरेज पावर दिस इज माइनस वी आई बाई टी
जीरो से टी। अब देखिए यहां पर हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, हमारे पास था कौन, टू साइन ए कॉस ए इज साइन टू ए, साइन टू ए की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, टू साइन ए कॉस ए, दैट मीन्स साइन ए कॉस ए इज वन बाय टू साइन ए साइन टू ए, तो ये हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो यहां हमारे पास क्या आएगा, हाफ साइन टू ओमेगा टी डी टी, राइट, लेट्स से टी भी हाफ भी बाहर आ जाएगा तो हमारे पास एवरेज पावर क्या आ जाएगी, एवरेज पावर इज वी आई बाय टी टू टी, ठीक है। अब देखिए जीरो से टी साइन टू ओमेगा टी डी टी, अब देखिए यहां पर क्या आ गया हमारे पास, साइन, अगर हम ध्यान से देखें तो साइन क्या था, साइन का ये कर्व है, चाहे ओमेगा चाहे टू ओमेगा ग्राफ, तो हमारे पास इसी तरह का बनेगा साइन के लिए, तो जितना यहाँ पास पॉजिटिव साइकिल है उतना ही हमारे पास नेगेटिव साइकिल है, दैट मीन्स इस साइन की इन ओवर द एवरेज अगर हम बात करें टोटल जो वैल्यू आएगी जितना ये पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन ओवर द होल साइकिल साइन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जीरो, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी जीरो, दैट मींस ये वैल्यू जीरो हो गई तो एवरेज पावर कंज्यूम बाय द इंडक्टर, प्योर इंडक्टर इज जीरो, तो प्योर इंडक्टर मतलब इसकी जीरो रेजिस्टेंस है, राइट, सो एवरेज पावर कंज्यूम्ड बाय प्योर इंडक्टर इज जीरो, राइट लिया जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी ढंग से देखिए, एक बार ध्यान से देख लिया, फिर इसी ढंग से हम बात करेंगे, व्हाट इज द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द प्योर कैपेसिटर, राइट, ध्यान से देख लीजिए फिर आगे। सो हमें ज्यादा कैलकुलेशंस नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, बस थोड़ा से देखना पड़ेगा, तो हमारे पास क्या है, एवरेज पावर कंज्यूम बाय द कैपेसिटर, दैट इज प्योर कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, तो प्योर कैपेसिटर में हमारे पास क्या था, वोल्टेज सिग्नल वी साइन ओमेगा टी था, करंट सिग्नल क्या आ जाएगा, वो लीड कर रहा था ना बाय 90 डिग्री, दैट इज कॉस ओमेगा टी, दैट मीन्स यहां पर हमारे पास जो वोल्टेज सिग्नल है वो तो हमारे पास ये साइन कर्व ही आएगी, है ना, ये हमारे पास वोल्टेज सिग्नल आ गया, करंट सिग्नल क्या आएगा, कॉस का ग्राफ यहाँ पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या आएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, पीक वैल्यूज में ये आ जाएगा, ये हमारे पास करंट सिग्नल आ जाएगा। अब देखिए फिर वही इंस्टेंटेनियस पावर, दिस इज द जीरो टू टी पी डी टी डिवाइडेड बाय जीरो से टी, अब फर्क क्या आएगा, यहां पर देखिए इंस्टेंटेनियस करंट क्या था, वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज वी साइन ओमेगा टी ये था, इंस्टेंटेनियस करंट इंडक्टर में हमारे पास माइनस आई कॉस ओमेगा टी था, कैपेसिटर में यहां हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर क्या आ गई, वी आई इज इक्वल टू वी आई साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, दैट मींस एवरेज पावर निकालने के लिए हमारे पास क्या आएगा, देखिए जीरो से टी डी टी की इंटीग्रेशन टी आ गई, ये तो है ही है, नेगेटिव साइन खत्म कर दीजिए, बाकी सारे हमारा वही का वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, एट द एंड हमारे पास क्या आएगा, देखिए वी साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डी टी, फिर यही वही आइडेंटिटी यहां लगाई तो यहां हमारे पास हाफ साइन टू ओमेगा टी डी टी आ गया, तो यस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टू ओमेगा टी डी टी, दैट मींस ओवर द होल साइकिल इंटीग्रेशन ओवर द साइन इज जीरो, दैट मींस अगेन द एवरेज पावर कंज्यूम बाय द प्योर कैपेसिटर इज
जीरो। तो प्योर इंडक्टर की बात करें वो भी कोई पावर कंज्यूम नहीं करेगा, प्योर कैपेसिटर की बात करें वो भी पावर कंज्यूम नहीं करेगा, लेकिन जब हमने बात की थी प्योर रेजिस्टेंस तो उसमें हमारे पास एवरेज पावर कंज्यूम कितनी आई थी। इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस व्हाट वाज द एवरेज पावर कंज्यूम्ड, तो हमारे पास रेजिस्टेंस के केस में आया था, इन केस ऑफ द रेजिस्टेंस वी हैड फॉर रेजिस्टेंस तो पावर कंज्यूम कितनी आई थी हमारे पास, दैट वाज VRMS IRMS V by under root 2 I by under root 2, ये हमारे पास आई थी एवरेज पावर फॉर द प्योर रेजिस्टेंस, राइट। सो नेक्स्ट हम लेक्चर में बात करेंगे अगर तीनों इन कंपोनेंट्स को, इंडक्टर कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हम वो किस तरह बिहेव करेगा, दैट इज नोन एज द सीरीज LCR सर्किट।